नमस्कार दोस्तों, वर्धमान जेट के चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव। आज मैं लेके आया दोस्तों धमाकेदार वीडियो। जी हाँ दोस्तों, एस्कॉर्ट के 35 की वे के इंजन की फुल फिटिंग और 100% लोड टेस्टिंग का वीडियो मैं लेके आया दोस्तों। तो वीडियो का अंत जरूर देखेगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शानदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इससे बेहतरीन जनरेटर आपको कोई नहीं मिलेगा दोस्तों। ऐसा जनरेटर आपने जीवन में नहीं देखा होगा जिसके अंदर हम 100% मोटर लोड डालेंगे दोस्तों, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो वीडियो का अंत जरूर देखिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। 35 की वे का स्कॉर्ट का इंजन है जिसमें सारा सामान हम लोग 100% नया डालने जा रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं तीनों पिस्टन है, लड़का आपको दिखा रहा है खोल के, ये तीनों पिस्टन ब्रांड न्यू डाल रहे हैं इसके अंदर। तीनों लाइनर हम लोग इसके अंदर डालेंगे, बहुत शानदार इंजन है दोस्तों। देख सकते हैं तीनों लाइनर भी हम लोग नए डालने वाले हैं इसके अंदर। एस्कॉर्ट का 3 सिलेंडर का इंजन है ये, 45 BHP का इंजन होता है दोस्तों। इतना बेहतरीन इंजन है, इतना अच्छा लोड लेता है और डीजल दोस्तों सूंघता है। और सबसे खासियत इसकी दोस्तों आवाज़, इसकी आवाज़ ऐसा है कि जैसे साइलेंट जनरेटर चल रहा हो, ओपन में भी आप इसे चलाओगे तो आपको आवाज़ महसूस ही नहीं होगा, इतना शांत और इतना शानदार इंजन है दोस्तों। इंडिया का एकमात्र ऐसा इंजन है जो लोड लेने में सबका बाप है दोस्तों। जी हाँ, सबका बाप इंजन है ये। ये देख सकते हैं दोस्तों, लाइनर वगैरह सब 100% नए डालते हैं हम लोग, सारा काम एक नंबर का करते हैं। जब भी हमारे जनरेटर इतना बेहतरीन लोड लेते हैं, कोई भी जनरेटर आप हमसे परचेज करेंगे उसके अंदर 100% मटेरियल नया ही डाला जाता है, ताकि परफॉर्मेंस कस्टमर को एक नंबर की मिले, चाहे लाइनर हो चाहे पिस्टन हो। लोग सारा पुराना सामान डाल के बेचे जा रहे हैं, जो परफॉर्मेंस जीरो आती है उनकी दोस्तों, क्योंकि पुराने जनरेटर होते हैं दोस्तों, पर नहीं कब से बंद पड़े हैं। सामान नहीं डालेंगे तो जनरेटर चलेगा कैसे दोस्तों? मेन तो सामान नहीं चलना होता है, और सारा जेन्युइन सामान डाला जाता है। देख सकते हैं आप, सारा सामान नया डाला जा रहा है, हेड गैस्केट, पैकिंग किट, मेन सीआर, ये देख सकते हैं कनेक्टरों के बुश भी हम लोग सारे नए लगवाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें चलती हैं तो कट जाती हैं और इनकी परफॉर्मेंस को बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर चीज़ें 90% नया ही डाला जाता है, कि ब्लॉक पुराना रह जाता है। सारा सामान नया डाल के बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में जनरेटर को हम रेडी करते हैं। प्रेशर गन से पहले इंजन की धुलाई होती है, मिट्टी का तेल, डीजल के तेल से धुलाई करके फिर पानी के प्रेशर से पूरा धो के बिल्कुल नया बना दिया जाता है इंजन को। देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी मिट्टी, बिल्कुल भी काला का आपको नज़र नहीं आएगी। और ये ब्लॉक में लाइनर लगाने की पूरी तैयारी कर चुका लड़का, देख सकते हैं आप। तीनों लाइनर नए डाले जा रहे हैं, तीनों पिस्टन नए डाले जा रहे हैं। ये सारी रबड़ रिंग है, ये सारी नहीं लगाई जाती है, क्योंकि सर दोस्तों रबड़ के पार्ट होते हैं, ये समय के साथ में हार्ड हो जाते हैं और लोग उनको चेंज नहीं करते हैं, तो ये पानी लीक कर जाता है ब्लॉक के अंदर, ऑयल फेंकने लग जाते हैं इंजन चारों तरफ से, क्योंकि इंजन में जितने भी रबड़ के पार्ट होते हैं वो पुराने होने की वजह से, हीट होने की वजह से हार्ड हो जाते हैं और वो सारी अपनी क्वालिटी खत्म कर देते हैं और इंजन को पूरी तरफ से गीला कर देते हैं, चारों तरफ से ऑयल बहता है। ये देख सकते हैं तीनों लाइनर लग चुके हैं, सारी रबड़िंग वगैरह नहीं लगाई है इसके अंदर। मेन सील, टाइमिंग सील 100% नहीं लगी है दोस्तों, सारे मेन सीआर भी नहीं लगाएंगे हम लोग, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो इसी बात पर एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और प्राइस के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें या कॉल करें, आपको सारी डिटेल दी जाएगी। ये देख सकते हैं दोस्तों, सारे सीआर भी हम लोग नए लगा रहे हैं, सारे मेन भी हम लोगों ने ब्रांड न्यू लगाए हैं। देख सकते हैं किर्लोस्कर के हम लोग सीआर इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर, किर्लोस्कर कंपनी के जेन्युइन सीआर, क्वालिटी में नंबर एक होते हैं दोस्तों। लोग बनारा के लोकल सीआर लगा देते हैं जो कि क्रैंक को ही ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। ये सीआर ऐसे होते हैं कि खुद खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्रैंक के ऊपर स्क्रैच भी नहीं आने देंगे, इसीलिए हम लोग ये कंपनी नए जनरेटर में भी दोस्तों यही लगते हैं। सारी रिंग वगैरह 100% नई डाली जा रही है, बिल्कुल बेहतरीन जनरेटर रेडी होने वाला है दोस्तों। अभी मैं इसके ऊपर 100% मोटर लोड डालूंगा, जो कि आपकी आंखें खोल देगा कि कितना बेहतरीन जनरेटर है और कितना बेहतरीन लोड लेता है दोस्तों। एस्कॉर्ट से अच्छा जनरेटर मुझे कोई भी नहीं लगता। 25 से लेकर 30 KV, 35 KV की रेटिंग में अगर आप जनरेटर ढूंढ रहे हैं, 15 KV, 20 KV, 25 KV, 30 KV, 35 KV की रेटिंग के लिए, तो इससे शानदार जनरेटर कोई नहीं है दोस्तों। आवाज़ जीरो, डीजल भी बहुत कम खाता है। 35 KV का जनरेटर फुल लोड में 2.5 से 3 लीटर डीजल खाएगा दोस्तों, कोई भी इतना कम डीजल नहीं खाता। और क्वालिटी में दोस्तों इसका कोई जवाब ही नहीं है दोस्तों, इतनी भारी तो इसकी क्रैंक है कि दो बंदों से तो हिलती है दोस्तों, इतना शानदार, इतना हैवी, इतना मजबूत इंजन है। ये देख सकते हैं दोस्तों, 90% काम हो चुका है, हेड वगैरह सब लग चुका है। अभी हम इसको यहीं पर चालू करेंगे, उसके बाद 1 घंटा इंजन को रमा करके 100% लोड डालेंगे। पूरा इंजन फिट हो चुका है, तीनों पिस्टन नए डल गए, तीनों लाइनर डल गए, पंप का भी एक नंबर काम कराते हैं हम लोग माइकों से ही, तभी क्वालिटी आती है दोस्तों। पंप जितना मजबूत होगा उतना अच्छा इंजन लोड लेगा, लोग पंप कराते नहीं है, ऐसे कैसे लगा देते हैं, इंजन धुआं देते हैं, फ्रीक्वेंसी तोड़ते हैं। हमारे इंजनों में आपको दोस्तों शिकायत नहीं मिलेगी। ये देख सकते हैं इंजन लगभग पूरा रेडी हो चुका है, अभी हम इसको 1 घंटा खाली चला के फिर इस पर 100% लोड डालेंगे। ये बहुत शानदार इंजन है दोस्तों, देख सकते हैं 3 सिलेंडर का एस्कॉर्ट का इंजन है ये, 45 BHP का, बहुत ही बेहतरीन इंजन होता है दोस्तों ये। अभी देख सकते हैं हाफ सेल्फ में जनरेटर स्टार्ट हो गया, ये पहली बार स्टार्ट किया दोस्तों इंजन बदलने के बाद, और आवाज़ आप देख सकते हैं कितनी शानदार आवाज़ आ रही है। अभी बहुत स्लो स्पीड पर इंजन चल रहा है, बिल्कुल नई की तरह इंजन बन चुका है ये। ऑयल प्रेशर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा 6 kg मिलेगा आपको, कोई ऑयल प्रेशर दिखाता ही नहीं दोस्तों, उनको पता है उनकी क्रैंक के कटी हुई है तो ऑयल प्रेशर आएगा कहाँ से। हम आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं दोस्तों, जो जनरेटर में जितने पैरामीटर होते हैं सारे चेक करा जाते हैं कस्टमर को, ताकि उसको उसके पैसे की पूरी वैल्यू मिले। ये देख सकते हैं कितना शानदार इंजन चल रहा है, चारों तरफ अच्छी तरह ऑयल आ चुका है, टेम्पो के अंदर भी देख सकते हैं आप।
रेंट पे दोस्तों क्वालिटी मिलेगी आपको, कहीं से कहीं तक आप देख ले क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि साफ इंजन चल रहा है दोस्तों। अब इसे एक घंटा हम लोग खाली चलाएंगे, एक घंटा खाली चलाने के बाद 100% लोड डालेंगे वाटर का। पानी का लोड इसलिए डाल रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमारे पास 30 kV से ऊपर का लोड डालने का हमारा पैनल बोर्ड नहीं काम करता, इसलिए वाटर लोड डालते हैं हम 30 kV से ऊपर के जनरेटर पे। और वाटर लोड भी दोस्तों बहुत ब्रेक लोड होता है, अगर वो जितना वाटर लोड रहा है उससे 20 से 25 एम्पीयर लाइट का लोड फालतू लेके जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा इंजन रेडिएटर कपलिंग हो चुका है, अब इस पर केवल रेडिएटर लगना रह गया है। रेडिएटर लगा के इसे एक घंटा हम लोग खाली चलाएंगे, खाली चलाने के बाद इस पर 100% लोड डालेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा रेडिएटर वगैरह लगा के जनरेटर पूरा हम लोगों ने रेडी कर दिया है, एक घंटा में इसे खाली भी चला चुके हैं। अब इस पर AVR वगैरह लगा के 100% लोड डालेंगे। इस पर 35 kV का किर्लोस्कर का ऑल्टरनेटर लगा हुआ है, ये जेन्युइन सेट है दोस्तों, कैनोपी में से निकाला हुआ है, जिसको हमने पूरा नया बना दिया है। ये देख सकते हैं हाफ सेल्फ जनरेटर स्टार्ट हो चुका है, ये क्वालिटी आपके सामने, आवाज़ आप सुन सकते हैं दोस्तों। बिना कैनोपी की दोस्तों इतनी कम आवाज़ है इस इंजन की, बिल्कुल भी धुआं नहीं, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है आप देख सकते हैं। ऑयल प्रेशर भी देख सकते हैं पूरा 6 kg आ रहा है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, बिल्कुल बेहतरीन नया जनरेटर की तरह जनरेटर रेडी हो चुका है दोस्तों। अभी आप लोड डालेंगे आप देखिएगा, आपको पता चलेगा लोड लेने में इसका क्या कोई मुकाबला ही नहीं है दोस्तों। देख सकते हैं 51.5 हम लोगों ने इसकी फ्रिक्वेंसी सेट करी है, 233 इसके वोल्टेज है, 6 kg ऑयल प्रेशर आ रहा है। अभी मैं आपको DC भी चेक कराने वाला हूँ, उसके ऑल्टरनेटर की तो DC आ रही है, देख सकते हैं आप सारा काम टॉप नॉच हुआ है दोस्तों। इस जनरेटर का बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, आप देख सकते हैं जीरो वाइब्रेशन है इस सेट के अंदर, ना तो वाइब्रेशन मिलेगी आपको ना आवाज़ मिलेगी, क्योंकि सेट ही इतना हैवी है दोस्तों। ये देख सकते हैं 232 वोल्टेज सेट करें हैं, वोल्टेज भी बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होंगे, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो में। और इसकी DC वोल्टेज भी मैं आपको चेक करा देता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं 6 DC आ रही है दोस्तों, बिल्कुल नया जनरेटर रेडी हो गया है। ये 35 kVA का सिंगल फेज का जनरेटर है, ये धनबाद जा रहा है दोस्तों, परी DJ वालों ने हमसे परचेज किया धनबाद बिहार के लिए। ये Part 1 वीडियो दोस्तों, Part 2 वीडियो बिल्कुल शोरूम कंडीशन में रेडी करके दिखाऊंगा मैं आपको। और ये देख सकते हैं वाटर लोड डालना चालू कर दिया हम लोगों ने, फ्रिक्वेंसी वगैरह साथ ही साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं 51 फ्रिक्वेंसी आ चुकी है, लोड डलना चालू हो गया इस पर। लोड लेने में दोस्तों का कोई मुकाबला ही नहीं है, आप देख सकते हैं ऐसे लोड लेगा शेर की बच्चे की तरह दाड़ेगा, शेर दाड़ता है ना, इंजन दाड़ता है लोड पे, बिल्कुल भी नहीं दबता दोस्तों। देख सकते हैं 30 एम्पीयर लोड आ चुका है इस पर, देखिए 33 एम्पीयर 40 एम्पीयर पूरा वाटर लोड डालने वाला दोस्तों, पूरा 120 एम्पीयर लोड डाल के दिखाऊंगा मैं। पानी का 120 एम्पीयर लोड का मतलब है आप 140 एम्पीयर पे भी जनरेटर को चलाएंगे आपको शिकायत नहीं मिलेगी दोस्तों किसी भी तरीके की। देख सकते हैं 70 एम्पीयर और बिल्कुल भी इंजन नहीं दब रहा है दोस्तों। लोग खाली वो एम्पीयर दिखा देते हैं, फ्रिक्वेंसी दिखाते ही नहीं अपने वीडियो के अंदर, एम्पीयर भी ऐसे दिखाते हैं कि कभी 110 तो कभी 80, हम आपको बिल्कुल कॉन्स्टेंट दिखाएंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल कॉन्स्टेंट एम्पीयर बढ़े जा रहे हैं, घट नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। लोग क्या करते हैं कभी 100 दिखाएंगे, कभी 80 दिखाएंगे, कभी 75 दिखाएंगे, कहेंगे हो गया पास, वो काम नहीं करते दोस्तों, एक नंबर का काम करते हैं। क्वालिटी आप देख सकते हैं, वोल्टेज बिल्कुल, वोल्टेज भी देखिए आप, फ्रिक्वेंसी भी देखिए आप, बिल्कुल भी धुआं नहीं है, 100 एम्पीयर के आसपास लोड चल रहा है जनरेटर पे। और क्वालिटी आपके आसपास है दोस्तों, देख सकते हैं आप फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं 149 मेंटेन है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं दब रहा है इंजन, आप देख सकते हैं क्वालिटी में आपको कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगा ही नहीं दोस्तों, एक नंबर का हम लोगों ने इसमें काम किया है। ये देख सकते हैं 149 फ्रिक्वेंसी मेंटेन है और एम्पियर आपके सामने 102 एम्पियर लोड इस टाइम चल रहा है जनरेटर पे, बिल्कुल भी धुआं नहीं है, वो साफ इंजन चल रहा है दोस्तों। हर एंड पे बिल्कुल नया जनरेटर बना दिया हम लोगों ने इसको, ये देख सकते हैं आवाज़ भी आप चेक कर सकते हैं, पाँच 106 108 111 113 115 देख सकते हैं 49.2 फ्रिक्वेंसी चल रही है, और पूरा 120 एम्पीयर लोड आ गया दोस्तों, इसे कहते हैं क्वालिटी। 121 एम्पीयर लोड पर दोस्तों 49.5 फ्रिक्वेंसी है, क्वालिटी आपके सामने आप देख सकते हैं, DC भी चेक कराए थे आपको, फुल लोड पर दोस्तों 17 DC आ रही है इसकी। और क्या लोगे दोस्तों, बिल्कुल नया जनरेटर बना दिया हम लोगों ने, 120 एम्पीयर लोड चल रहा है इस टाइम जनरेटर में, क्वालिटी आपके सामने है, बिल्कुल भी धुआं नहीं है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, एक आवाज़ में इंजन चल रहा है दोस्तों, एक आवाज़ में, इसको कहते हैं क्वालिटी। इस बात पे एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल भी ऑयल प्रेशर नहीं टूट रहा है, देख सकते हैं 6 का 6 मेंटेन है, इंजन हीट हो चुका है लेकिन ऑयल प्रेशर वहीं का वहीं मेंटेन है, इसको कहते हैं क्वालिटी दोस्तों। अगर इंजन कटा पिटा होता या इंजन में कोई कमी होती तो ऑयल प्रेशर भी गिर जाता। अभी जनरेटर रेडी है दोस्तों, अब इसे हम पेंट करके डिलीवर करेंगे धनबाद के लिए, परी DJ वाले भाई ने हमसे परचेज किया है, ये धनबाद जाएगा बिहार, पूरा जैसा शोरूम कंडीशन में रेडी करके पेंट करके हम लोग आपको Part 2 वीडियो में दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, Part 2 वीडियो को भी जरूर देखें दोस्तों, बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, धन्यवाद।